आने वाला समय 24 का ये पहले ये चुनाव हो रहा है, ये भी जीतेंगे और 24 में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से मोदी जी दोबारा सरकार आएगी प्रधानमंत्री। देखिए घर घर ये अखिलेश जी वोट मांग रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कनुआ को कल का और सबका साथ सबका विकास किया है और आज उसी का परिणाम है कि मैनपुरी में लोग बेक ऑफ होके अपना वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी के भी जो समर्थक हैं उन यदवंशियों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी अब उस परिवार से सैफई परिवार से छुटकारा पाओ, तभी आपका और आपके बच्चों का भविष्य ठीक। चाचा नहीं करेंगे, ये खुद कर देंगे। राम राम। अभी तो स्वार्थ है तो मंच पर पैर छू लिए। नमस्कार, खबर एक्टिविटी की टीम आज मैनपुरी में है। मैनपुरी में हमारे साथ एकमातपुर से विधायक पूर्व विधायक राम प्रताप जी हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो डिंपल यादव जो लड़ रही हैं और यहाँ से भाजपा से रघुराज साक्य हैं। आज हम विधायक जी से जानते हैं जो जन समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं उनके समर्थन में, तो यहाँ पर कैसा उन्हें रुझान मिल रहा है? विधायक जी आप मैनपुरी में हो तो आपको जो जनता से प्यार कैसा मिल रहा है? देखिए मैं तो कहूँगा ही कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन आप भी यहाँ देखेंगे तो लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और इस बार वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीते, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों ने गुंडई को झेला है, उनकी दबंगई गुंडई। मैं भी कई गांवों में गया हूँ, काफ़ी दिन से यहाँ पर हूँ। लोग कहते हैं कि अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते थे हम लोग, शाम को ट्रैक्टर कहाँ छिन जाए, किसकी चैन छिन जाए, किसके प्लॉट पे कब्जा हो जाए, किसके बच्चे का अपहरण हो जाए, कहाँ चौथ वसूली हो जाए। मैनपुरी एक दहशत में रहता था, लेकिन योगी जी की सरकार है, दहशत को हम लोगों ने ख़त्म किया है और अब की बार समाजवादी पार्टी की रामपुर आजमगढ़ भी जो भारतीय जनता पार्टी पर सीट नहीं थी वो भी आ गई। अब ये मैनपुरी आखिरी सीट है, इसको भी निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी बड़े वोटों से जीतेगी, क्योंकि जनता बह के जो वातावरण था उससे बाहर निकलना चाहती है, विकास चाहती है। अभी भी आप देखिए इस गांव के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है, वो ये काम चल रहा है हर घर को नल से जल देने का। ये कभी सोचा ही नहीं था, पानी की लोगों को दिक्कत थी, सड़कें नहीं थी। और यहाँ चूँकि विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बार करहल में भी बुरी तरह से डिंपल यादव चुनाव हारेंगे, हम जसवंतनगर जीतेंगे और किशनी और भोगांव और मैनपुरी सारी सीटों को हम लोग जीतने जा रहे हैं और इस अंत को उसके जो साम्राज्य था गुंडागर्दी का उसका समाप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी यादव समाज के भी लोगों से, क्या ये केवल खानदान? आप तो समाजवादी थे, समाजवादी से आप जातवादी बने और जातवादी से अब वंशवादी बन गए, परिवारवादी बन गए। अभी डिंपल यादव के अलावा कोई यादव दूसरा नहीं था जिसको ये लड़ा सकते थे, तो वो तो मुझे लगता है कि बच्चे छोटे हैं अभी उम्र में अखिलेश जी के, नहीं तो कल को वो लड़ेंगे। तो यहाँ जो गरीब तबके में यादव समाज था उनका भी शोषण हुआ है। तेजी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है, उनका कहना है कि मैनपुरी में सब किसानों को DAP यूरिया समय से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या कहना चाहूँगा? समाजवादी के शासन में हम भी राजनीतिक क्षेत्र में माफिया ले जाया करते थे, मोदी जी ने तो एक नई चीज़ करी कि उसकी जो यूरिया और ये जाती थी फैक्ट्रियों के लिए उसको ख़त्म किया। तो आज उपलब्धता आसान है, आज किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, आज गरीबों को आवास देने का काम किया है, आज पेंशन देने का काम किया है, पेंशन जो पहले 1,500 रुपया थी वृद्धा उसको 1,000 रुपया किया है। तो जितनी सहयोग हो से, और आपने देखा होगा कोरोना का काल, कोरोना के काल में अगर ये लोग होते तो लूट के खा जाती, लेकिन कोई भूखा ना सोए। मोदी और योगी परिवार के मुखिया हैं तो उन्होंने सोचा कि कोई परिवार भूखा ना सोए, तो राशन की व्यवस्था करी। और लाभार्थी आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में आज के समय में भारत के अंदर हर व्यक्ति लाभार्थी है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो अखिलेश यादव जी ने भी ली है और वो उसका कोई पैसा तो देना नहीं पड़ा है, तो सब लाभार्थी हैं। ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या किस जाति से है किस धर्म से है। जब कहा प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास किया है और आज उसी का परिणाम है कि मैनपुरी में लोग बेक ऑफ होके अपना वोट डालेंगे और जो जिस तरह से वो पहले कर लिया करते थे कैप्चिंग करा या गुंडागर्दी करी, वो अब चलने वाली नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो, आप क्यों उसमें पड़ते हो, वो आपके लिए क्या है?
किसी यादव को भी कुछ नहीं किया। तो मेरा तो मानना है कि अपने परिवार के लिए जो भी कुछ किया है, और आज यहाँ कहते हैं कि मुलायम सिंह जी का श्रद्धांजलि, जीते जी पिता की चिंता नहीं करी अखिलेश जी आपने। वो 2019 का वो दिन सबको याद है जब मंच पे नेताजी की बेइज्जती करी, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है समाजवादी के को एकदम अंत करने का, और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का समय आ गया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो, जनता से बात कर रहे हो, कौन मुख्य मुद्दा कौन सा? जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पर लड़ती है, यहाँ भी हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और भय मुक्त वातावरण देने के मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि भय नहीं रहेगा किसी को भी। अब जब से योगी की सरकार आई तो गुंडे आपने देखा होगा कि घर बैठ गए जाके, आपने देखा होगा कि पहले किसी की ज़मीन पर कब्जा होता था, गैंग बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे, अपराध करके डकैती डालते थे, आज सारे के सारे खुद पट्टा डाल के सरेंडर कराए, एनकाउंटर हुआ है, लगभग 150 से लेकर 200 लोग तो राम नाम सत्य हो चुकी है उनकी भी। तो गुंडई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, और हर जाति का हर धर्म का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जाति का हर धर्म का विकास होगा। ये लोग के समय में आपने देखा था कि आज पिछड़ी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में जब बेटियों को, लेकिन जनरल तो छोड़िए, पिछड़ी जाति के लिए भी छात्रवृत्ति नहीं थी। तो और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, ये विधानसभा में क्वेश्चन पूछा था उसमें जवाब दिया था उन्होंने। तो ये स्थितियाँ हैं, तो आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज यहाँ के ये छोटे बच्चे क्यों नहीं यहाँ विधायक सांसद नहीं बन सकते, ये लोग क्यों नहीं आईएएस आईपीएस बन सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब के भविष्य के लिए, और मैं यहाँ के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार के अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और दमदारी से जुड़े, क्योंकि इनके यहाँ रहते हुए तो जो हालत थी मैनपुरी की, हम लोग भी 20 साल से यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपका कहना है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रघुराज प्रसाद की ही अपना परचम लहराएंगे? निश्चित रूप से रघुराज शाह जी, और ऐसा नहीं है कि डिंपल यादव कभी हारी नहीं है, डिंपल यादव फिरोजाबाद भी हारी है और कन्नौज भी हारी है, दो बार चुनाव हार चुकी हैं डिंपल यादव, तो ये अजय नहीं है। लेकिन आप अब आपने कुछ किया होता तो आप बातें करते, आज नेताजी की बात कर रहे हो, तो नेताजी का सम्मान तो मोदी जी ने भी बहुत किया था, योगी जी ने भी किया था, अनेकों बार गए, और आप तो वो व्यक्ति हो जो बाबू कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर उनके 200 मीटर 250 मीटर दूर रहने के बाद भी एक पुष्प अर्पित करने नहीं आए, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए, और जबकि कल्याण सिंह जी की बेटा जब नेताजी का निधन हुआ तो गए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग गए। तो आप तो मानवीय संवेदना भी आपने तो ख़त्म कर दी कि कल्याण सिंह जी जो केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के नेता थे और हिंदू हृदय सम्राट थे, उनके उस पर आपने ये केवल तुष्टिकरण के कारण कि मुझे वोट कट जाएगा मेरा, तो ये लोग तो किसी के साथ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाचा भी 5 के बाद और 8 के बाद चाचा को भी फिर धक्का दिया जाएगा, आज तो आपका स्वार्थ है इसलिए चाचा को जोड़ लिया, लेकिन आपने क्या किया, चाचा को साथ लिया है, जसवंत नगर दे, जसवंत नगर तो वैसे भी लड़ लेते वो। चाचा तो ये कह रहे हैं कि साहब हम जो हमारे भाई साहब के जो मुलायम सिंह जी की उनकी वान वानसान है मैनपुरी की, इसको हम बचाएंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे। वो चाचा को 8 के बाद चाचा का बयान लेना फिर से, तब चाचा क्या कहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाचा तो हम लोग के संपर्क में थे, हमारे यहाँ से आना चाहते थे लड़ने के लिए, लेकिन अब वो वक्त बदल गया है, और चाचा भी 8 के बाद में यही चाचा थे जिन्होंने अपना, और मैंने विधानसभा में मेरे पास है, मैंने कोट किया था कि चाचा कहते थे कि अवैध काम तो ये सफाई करते हैं, शराब का नंबर 2 का काम करते हैं, ये चाचा ही तो कहते थे। तो मैंने विधानसभा में कहा भी था कि मैं नहीं कह रहा है तो चाचा कह रहे हैं, तो चाचा को तो उनकी असलियत पता है, और वक्त आने दीजिए, चाचा भी इनसे जल्दी राम राम करेंगे, क्योंकि चाचा नहीं करेंगे तो ये खुद कर देंगे राम राम, अभी तो स्वार्थ है तो मंच पे करेंगे, क्योंकि चाचा नहीं करेंगे तो ये खुद कर देंगे राम राम, अभी तो स्वार्थ है तो मंच पे पैर छू लिए। कल जसवंत नगर में डिंपल यादव थी, डिंपल यात्रा की सभा थी वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि लोगों से कहा कि अगर आप मुझे यहाँ से मैनपुरी की सीट से जिताते हैं तो एक मुलायम सिंह के लिए एक श्रद्धा का भाव होगा मैनपुरी के लोगों द्वारा, क्या एक स्टंट जो वो चला रही है क्या इसका प्रभाव की जीत पर पड़ेगा? नहीं नहीं, क्यों पड़ेगा, जब मैंने अभी कहा ना कि नेताजी जीवित रहते हुए आपने उनका सम्मान नहीं किया, अंत समय में मुझे सफाई के लोग बताते थे कि नेताजी चाहते थे कि मैं अखिलेश यादव के साथ रहूं, बेटे तो हैं, लेकिन नेताजी को दिल्ली डाल दिया गया, नेताजी की चिंता नहीं करी गई,
और मंच पर तो सबने देखा, यहाँ सामान्य इतने कोई लोग खड़े हैं, कोई अपने पिता से ये व्यवहार नहीं करता, और इतने बड़े नेता जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, वो चाहते तो वो ही बन जाते, अपने भाई को बना सकते थे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनाया और आपने उस नेता का माइक छीना और उनको धकियाया, तो ये अच्छी बात नहीं है। पिता आप जीवित रहते हुए पिता की चिंता मत करो, अब आपको वोट चाहिए तो नेताजी की श्रद्धांजलि है, नेताजी को श्रद्धांजलि है। मैं डिंपल जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कामों की बात करो कि आपने क्या किया था। वह युक्त जो साम्राज्य दिया था उत्तर प्रदेश को, जो गुंडागर्दी करी थी, जो थाने में अपराधी बैठा करता था इंस्पेक्टर के बगल में, और शरीफ आदमी बेचारा पिटता भी था और उसकी FIR भी नहीं होती थी, उन दिनों को याद करो। अब मैनपुरी की जनता उन दिनों को नहीं रखना चाहती। मैनपुर में जिस तरीके से अभी यहाँ पर कल करहल में थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि मैनपुरी में रोजगार की समस्या देखने के लिए मिल रही है, भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे बड़ी महंगाई की समस्या पर उन्होंने मुद्दा उठाया। ये कहा कि इन समस्याओं से अभी बीजेपी निजात नहीं दिला पाई है और मैनपुर जनता एक बार फिर सपा के साथ दिखाई देगी, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं सब लोग जानते हैं कि महंगाई की समस्या के भारत में नहीं है, चीन जैसा देश, इंग्लैंड जैसे देश आज बर्बाद हो रहे हैं। इंग्लैंड की हम लोग आज पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर पे आ गए, जो हम लोग कहाँ हुआ करते थे, और आज भी हमारा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, लोग टूट रहे हैं। श्रीलंका की हालत आपने देख ली है, पाकिस्तान भीख मल लेके अपना कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कल को वो दिवालिया होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इसको भी सुलझाएंगे और मदद करते हैं प्रधानमंत्री। आप बताइए, जब किसान को पैसा देंगे, उसको किसान निधि देंगे, विधवा दिव्यांग और अन्य लोगों को पेंशन देंगे, समय समय पर सब्सिडी देंगे, तो ये काम कौन करता है? और भ्रष्टाचार तो उनसे पूछिए कि एक जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए, एक एप्रोस्टोर थोड़ी ख़राब हुई थी, बस सही है, लेकिन छोटा था पहले तो 16,000 करोड़ रुपए की इन लोगों ने तय किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ा ईमानदार, आज 8 साल हो गए और आज लगभग 6 साल योगी जी को भी हो गए, योगी और मोदी पर कोई एक व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता। ये लोग अपने लिए नहीं है, ये तो सब जनता के लिए कर रहे हैं। एक भगवा में योगी है, एक बिना भगवा के योगी है। इनकी चिंता केवल बच्चों के भविष्य के लिए है। कोरोना जैसी त्रासदी देखने के बाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ने के बाद भी एक मुखिया की तरह चिंता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय 24 का, ये पहले ये चुनाव हो रहा है, ये भी जीतेंगे और 24 में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से मोदी जी दोबारा सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बने। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से पूरा कुनबा अब एक हो गया है, क्या लगता नहीं है कि बीजेपी का डर सपा को सता रहा है, इसलिए पूरा कुनबा इस बार एक होकर आ गया है? देखिए, घर घर ये अखिलेश जी वोट मांग रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और कुनबा को कर रहे हैं, लेकिन जब विपक्षी मजबूत हो, जब योगी मोदी जैसे शेर हों, तो फिर बाकी जंगल के सारे लोग एक होते हैं। तो एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अभी अभी जयंत चौधरी का एक बयान आया है, अभी जयंत चौधरी मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाने का काम। जयंत चौधरी जी, याद करो कि आपको सांसद केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और उसके बाद से आप सांसद नहीं बने, जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए, राज्यसभा तो पहुंचा वो अलग विषय, लेकिन लोकसभा आप लगातार हार रहे हो, तो विपक्ष को दबा नहीं रहे, यहाँ सबके साथ मिलके चल रहे, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के भी जो समर्थक हैं, उन यदवंशियों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी अब उस परिवार से, सैफई परिवार से छुटकारा पाओ, तभी आपका और आपके बच्चों का भविष्य ठीक होगा। मैनपुर जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सब लोग निर्भीक होकर वोट करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं कि जो मोदी के गले में जो कमल के फूल की माला है, उसमें एक फूल अभी जो कम है, उसमें मोदी जी के गले में रघुराज शाक्य के रूप में भी एक कमल का फूल जाए और 24 में फिर से जाए। हम लोग विश्वास दिला रहे हैं कि यहाँ की मजबूरी क्या थी कि यहाँ विधायक सांसद भाजपा का नहीं होता था, तो वो लोग विकास ही नहीं करेंगे उस क्षेत्र का। अब ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, तो देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इन क्षेत्रों का, और हमेशा उपेक्षा करी, कोई समझ गया भी उनके यहाँ तो उसको दुत्कार के भगाया। तो इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आप सभी से निवेदन है कि वोट डालें। जैसे कि यहाँ हमारे साथ एतमादपुर विधायक राम प्रताप जी थे और